दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के BTech कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी साल 2018 से BTech कोर्स ऑफर कर रही है, तो आज के इस वीडियो में हम इस BTech कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इस BTech कोर्स का क्या एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, कौन कौन से ब्रांचेज में BTech कोर्स अवेलेबल है, फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, किस ब्रांच में कितना सीट है, ये सारी चीज़ के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेज आपका अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं ये JNU का ई प्रोस्पेक्टस है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि साल 2018 से यहाँ पे आपका BTech कोर्स ऑफर किया जा रहा है, और अभी यहाँ पे सिर्फ दो ब्रांचेज में ही BTech कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहला है BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और दूसरा ब्रांच है BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ये दो ब्रांचेज होने वाला है आपका BTech का JNU में, और इस दोनों ब्रांचेज में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो है आपका JEE मेन्स, यानी कि जो बच्चे JEE मेन्स का एग्जाम दिए हैं उन्हीं बच्चों का यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा, और दो मोड ऑफ एडमिशन है वो बेस्ड ऑन JEE मेन्स थ्रू JOSA काउंसलिंग, एंड सेकेंड इज बेस्ड ऑन JEE मेन्स थ्रू DASA काउंसलिंग फॉर फॉरेन नेशनल्स, यानी कि जो इंडियन कैंडिडेट्स हैं, जो इंडियन नेशनल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको JOSA के थ्रू काउंसलिंग कराना होगा, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनका DASA के थ्रू काउंसलिंग होगा, और जो मार्क्स है वो JEE मेन के मार्क्स का कंसिडरेशन किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एज पर एलिजिबिलिटी मेंशन्ड फॉर JEE मेन्स, यानी कि JEE मेन्स का जो क्राइटेरिया है, यानी कि नॉर्मल अगर स्टूडेंट्स 12 पास है मैथ से तो वो बच्चे इसमें एलिजिबल हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब हम आगे की जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो भी यहाँ पे कोर्सेस हैं, जो दो ब्रांचेज हैं, उनका फ़ी क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस कर लेते हैं ट्यूशन फ़ी के बारे में। तो ट्यूशन फ़ी के लिए यहाँ पे आपका टेबल बनाकर दिया गया है, क्लियरली मेंशन है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, अगर उनका इनकम 1 लाख से कम है, यानी कि सालाना आय 1 साल से कम है, तो उनका ट्यूशन फ़ी 0 है, उनका ट्यूशन फ़ी नहीं लगता है। अगर कैंडिडेट जनरल OBC के हैं और उनका जो इनकम है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक है, तो उनका जो फ़ी है 20,833 रुपया पर सेमेस्टर लगेगा। वहीं अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है जनरल OBC का, तो पर सेमेस्टर फ़ी आपका 62,500 लगेगा। और SC ST PH कैंडिडेट का ट्यूशन फ़ी माफ़ है, 0 फ़ी है ट्यूशन फ़ी SC ST PH कैंडिडेट का। तो आप ये समझ लीजिए ट्यूशन फ़ी इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा फ़ी है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ये सिर्फ ट्यूशन फ़ी है। इसके अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स को ये 9 रो में जो फ़ी मेंशन किया गया है, ये सभी फ़ी भी पे करना होता है। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी पर सेमेस्टर, ये आपको लगता है ये 2500 है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड पर सेमेस्टर है, ये आपको 1000 लगता है। एडमिशन फ़ी ये आपको वन टाइम लगेगा, एडमिशन के टाइम ये 1000 है। एग्जामिनेशन फ़ी आपको पर सेमेस्टर देना होगा, ये भी 1000 है। एलुमिनाई फ़ी आपको वन टाइम लगता है, ये एडमिशन के टाइम ही लगेगा, ये भी 1000 है। रजिस्ट्रेशन फ़ी पर सेमेस्टर आपको ये भी 1000 देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आपका रिफंडेबल होता है, और ये आपको एडमिशन के टाइम सबमिट करना होता है, और जब आपका डिग्री ख़त्म होगा तो ये आपको रिफंड होता है, ये आपका 5000 है। मेडिकल फ़ी पर ईयर आपको 9 रुपीज़ है। मेडिकल बुकलेट आपको 12 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फ़ी मेंशन किया गया है रो 1 से लेके रो 9 तक, इसमें ये फ़ी आपको सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देना पड़ता है, चाहे वो SC ST हो, PH कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी हो, OBC हो, ये फ़ी सभी को देना पड़ता है। इसके अलावा ये जो ऊपर में फ़ी मैंने डिस्कस किया था, ये आपको कैटेगरी वाइज फ़ी में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो ये था आपका दोनों ब्रांचेज का फ़ी स्ट्रक्चर। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किस ब्रांचेज में आपका कितना सीट अवेलेबल है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो ब्रांचेज है। सबसे पहला है
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 ईयर्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपका जो टोटल सीट है वो है 63, और इसका यहाँ पे देख सकते हैं ये कैटेगरी वाइज आपका सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं टोटल सीट आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 63 है। सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आपका 63 सीट है, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किस कैटेगरी का कितना सीट है। तो दोनों ब्रांच को मिलाकर कुल सीट आपको 126 देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स के बारे में। तो जेएनयू के अंदर ये आपको कंपलसरी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा तो आपको हॉस्टल मिलेगा ही, ये डिपेंड करता है कि कितने सीट्स खाली हैं, आपका रैंक क्या है, ये सभी चीज़ को देख के हॉस्टल अलॉट होता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप मेंशन कर देख सकते हैं, द आउट स्टेशन कैंडिडेट एडमिटेड टू द प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी कंसिडर्ड फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन एज पर द रूल ऑफ यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू अवेबिलिटी। यानी कि जो बच्चे आउट स्टेशन है, आउट स्टेशन कहने का क्या मतलब होता है, जो बच्चे दिल्ली के नहीं है, जो बच्चे दिल्ली के रहेंगे उनको तो हॉस्टल मिलता नहीं है, जो बच्चे दिल्ली के बाहर हैं तो उनको हॉस्टल दिया जाएगा अगर हॉस्टल खाली रहेगा तब। हॉस्टल्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने कंप्लीट डिटेल्स में समझाया है कैसे आपका हॉस्टल अलॉट होता है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन होगा तो हॉस्टल मिलने का ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं भी मिलता है। तो ये था बीटेक में एडमिशंस के बारे में बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है बीटेक कोर्स के बारे में इस यूनिवर्सिटी में, तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यहाँ से ही अभी एमटेक कोर्स कर रहा हूँ जेएनयू से ही, तो अगर आपको कोई भी डाउट है जेएनयू के बारे में या किसी भी एडमिशन प्रोसेस के बारे में किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपका डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।